नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, यूं तो हर दिन हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने हमें एक और दिन दिया ताकि हम संसार के लिए कुछ कर सकें, जीवन का आनंद ले सकें। लेकिन हर दिन के महत्वपूर्ण होने के अलावा पूरे जीवन में क्या आप जानते हैं कि दो दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? वो कौन से दो दिन हैं? आज के सुवाक्य में आइए सुनते हैं। आपके जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण दिन, एक, जिस दिन आपका जन्म हुआ, और दो, जिस दिन आपको पता चला कि आपका जन्म क्यों हुआ। मार्क ट्वेन। दोस्तों, बेशक हमारा जन्मदिन महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण वह दिन है जब हमें अपने जीवन के उद्देश्य का पता चलता है। जीवन का उद्देश्य, यह शब्द इतना आम हो गया है, लेकिन हमारे पूरे जीवन की पूर्ति इस प्रश्न का उत्तर खोजने पर निर्भर करती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे निरंतर खुशी मिले। भले ही हमें उत्तर तुरंत न मिले, हमें यह प्रश्न तब तक पूछते रहना चाहिए जब तक हमें अपनी अंदर से या परमात्मा से कोई उत्तर प्राप्त न हो जाए। आत्म चेतना का अभ्यास करने से और ध्यान में परमात्मा से जुड़ने से यह प्रक्रिया तेज होते है और हम अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। मैं इस संसार में क्यों हूं, इस बात को जानना सचमुच कितना जरूरी है। सागर में यदि कोई नाविक ये नहीं जानता कि उसे किस दिशा में जाना है, तो नाव का क्या हश्र होगा। हम भी जिए जा रहे हैं, क्या ये पता है क्यों जी रहे हैं, उद्देश्य क्या है? आज इस पर गहराई से चिंतन जरूर कीजिएगा। गहराई से चिंतन के साथ अब चलते हैं शरीर के एक ऐसे अंग की ओर जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत हमारे लिए लगातार कार्य करता रहता है, बिना रुके बिना थके। उसका रुकना सांसें रोक देती हैं। जी हाँ, मैं हृदय की बात कर रहा हूँ। जो हमें जीवन देता है उसके लिए हमें कितना कंसर्न्ड होना चाहिए। इसीलिए आपकी सेहत आपके हाथ में, आज आपके दिल की बात करते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, सभी लंबा जीना चाहते हैं। आज जो नंबर वन किलर है वो है हार्ट अटैक और स्ट्रोक। स्ट्रोक भी हमारा जो पैरालिसिस का अटैक होता है, और हार्ट अटैक। लगभग 30% डेथ्स इसी कारण से होती हैं सारे विश्व में, और भारत तो इसमें नंबर वन है। भारत की एक विशेषता और है कि यहाँ यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं। 20 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल, आप सुनते हैं रोज हमारे कितने सारे फिल्म स्टार्स को भी हार्ट अटैक आया, यंग एज में आया। हालांकि उनका लाइफस्टाइल ठीक था, डाइट ठीक लेते थे, एक्सरसाइज रोज करते थे, उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज भी नहीं थी, स्मोकिंग भी नहीं करते, शराब भी नहीं पीते थे, तो भी उनको हार्ट अटैक आया। क्या कारण है? दिखने में आया कि जो लोग जल्दीबाजी करते हैं, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर रहते हैं, और चिंता करते हैं, गुस्सा अधिक करते हैं, और डेडलाइंस रखते हैं, अपने मन की टेंशन शेयर करने का टाइम नहीं मिलता है, किसे शेयर नहीं करते हैं। इसलिए कहा भी जाता था, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से। तो अपने मन की हर टेंशन को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, पर लोग टाइम नहीं है शेयर करने का। तो हमने जो पिछले 25 साल जो CAD प्रोजेक्ट, CAD प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, 25 साल जो DRDO से मिलकर रिसर्च की, उसमें ये पाया है, अगर अपने राजयोग का मेडिटेशन से इन सब नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज को, जल्दी, चिंता, गुस्सा, दूसरे में दोष देखना, बदलने की भावना, अपने मन की बातें शेयर ना कर पाना, रोज हम लेटर लिख के परमात्मा को शेयर करते हैं, तो देखते हैं कि उनको जो हार्ट अटैक है वो आना बंद हो जाते हैं और ब्लॉकेजेस भी खुल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हार्ट अटैक को सदा के लिए बाय बाय कर दें, तो आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें और अपने जीवन को शांति, प्रेम और खुशी से भरपूर लाइफ, हार्ट अटैक फ्री लाइफ लीड करें। ओम शांति।
तो ये संकल्प लेते हुए कि हार्ट पर अटैक करने वाली चीज़ों पर पहले हम अटैक कर दें ताकि हमारा हार्ट सुरक्षित रहे। ध्यान तो हमें अवश्य रखना होगा, तभी हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। और चलिए इसी आनंद के साथ अब आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल इंडिया में एक ऐसे प्रदेश की ओर जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, जो प्राचीन काल से ही अपनी संस्कृति के लिए बहुत विख्यात है, जहाँ के लोग बहुत ही सरल भोले भाले हैं और अपने जीवन से संतुष्ट और आनंदित रहते हुए नृत्य करते रहते हैं, ये कहते हुए कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ यह भारत के सबसे उन्नत राज्यों में से एक है। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। दुनिया में कितना भी ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन हुआ हो, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है। यहाँ के बस्तर जिले में दशहरा 75 दिन का मनाया जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का दशहरा मूल रूप से माँ भगवती दुर्गा जी के लिए समर्पित होता है, जिनका दंतेश्वरी मंदिर भी इसी जिले में स्थित है। यह मंदिर 600 साल पुराना है, जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। दोस्तों, यहाँ इतने संप्रदाय हैं, इतनी जनजातियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी एकता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, यहाँ के लोगों का कल्चर ज़मीन से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए, समझने के लिए और जीवन जीने के लिए, चाहे वो यहाँ का नृत्य हो, कलाएँ हो, यहाँ की ऐतिहासिक इमारत हो, या पुरातात्विक स्थल हो, या यहाँ के राजघराने से जुड़ी कहानियाँ हो। वहीं राजयोग की शिक्षा जन जन तक पहुँचाने का कार्य ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ में 1973 में रायगढ़ से शुरू हुआ और रायपुर में 1979 से ओम प्रकाश भाई जी और ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी द्वारा शुरू किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री तथा विधानसभा के समस्त सदस्यों का 3 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन माउंट आबू में हुआ। वर्तमान समय राज्य में 200 से भी अधिक सेवा केंद्र तथा 1000 से भी ज़्यादा गीता पाठशालाओं में राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा निःशुल्क प्रदान करवाई जा रही है। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में ईश्वरीय सेवाओं को आदरणीय बी के कमला दीदी जी रायपुर से, आदरणीय बी के आशा दीदी जी भिलाई से और आदरणीय पी के रमा दीदी जी बिलासपुर से सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो ये थे दोस्तों छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ अनूठे पहलू। छत्तीसगढ़ के दर्शन कर मन अवश्य आपका आनंदित हुआ होगा। सचमुच हमारा देश कितनी विविधताओं से भरा हुआ है और हम रोज ही ऐसे सुंदर सुंदर स्थानों के दर्शन करते हैं। मित्रों, इस दर्शन के साथ साथ जीवन में भी कुछ दर्शन, जीवन में भी कुछ नियम हम अपना कर चलें तो जीवन बड़ा ही निष्कंटक हो जाता है। कई बार बिना बात के यदि किसी से हम बहस करने लगते हैं, उलझ जाते हैं, तो इसे समझदारी कहीं कहीं नहीं कहा जाता। आइए जरा ये भी सुने। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर नमस्कार। एक बार एक हाथी और गधे में आसमान के रंग को लेकर बहस हो गई। हाथी ने कहा कि आसमान का रंग नीला होता है, गधे ने कहा नहीं, आसमान का रंग पीला होता है। दोनों में बहस बढ़ने लगी तो दोनों जंगल के राजा शेर के पास गए। शेर ने घटना को सुना और आज्ञा दी कि हाथी को 20 कोड़े मारे जाएं। हाथी ने कहा कि मैं तो सच हूं राजा जी, फिर मुझे 20 कोड़े मारने की सजा क्यों दी गई है? तो जंगल के राजा शेर ने कहा कि जब तुझे ये पता था कि सामने वाला गधा है तो फिर तूने बहस ही क्यों की? नमस्कार। तो सुंदर सीख कि हम समझदारी का परिचय देते हुए जीवन में आगे बढ़ें। सचमुच कई बार
कुछ स्थानों पर जहाँ हमें अपना वक्त नहीं लगाना होता, हम अपना वक्त लगा करके उसे व्यर्थ ही गंवा देते हैं। क्यों ना इसे कंस्ट्रक्टिव कार्यों में, ऐसे कार्यों में जो हमें आत्मसंतोष दे, ऐसे कार्यों में जिससे दूसरों का भी भला हो, लगाएं। जैसा कार्य ब्रह्मा कुमारीज लगातार करती आ रही हैं, ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन सबको जीवन जीने की सुंदर कला, और साथ ही ये जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो कैसे हमारे जीवन को सुकून से भरती हैं वो सिखाती हैं। तो आइए देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होने वाली सेवाओं को पीस न्यूज हाइलाइट्स में। 15 अगस्त 1947 को देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ। तब से लेकर अब तक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल एवं तकनीकी क्षेत्र की विकास यात्रा में देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 75 वर्षों की इस विकास यात्रा में नए कीर्तिमान बने हैं। आज भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इन सफलताओं एवं उपलब्धियों के बावजूद सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों में ह्रास हुआ है। व्यक्ति से लेकर समाज, राजनीति, सभी क्षेत्रों में मूल्यों का पतन देखने को मिला है, और इसी को देखते हुए ब्रह्मा कुमारीज संस्थान ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे साल चलने वाले 15,000 कार्यक्रमों के जरिए 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। संस्थान के 20 प्रभागों, जिसमें महिला प्रभाग, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, शिक्षा प्रभाग, युवा प्रभाग, कला एवं संस्कृति प्रभाग समेत अन्य प्रभाग शामिल हैं। साल भर चलने वाले इस महोत्सव का भव्य समापन 2022 के अंत में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में किया जाएगा, जिसमें भारत सहित विश्व के अनेक प्रबुद्धजन भाग लेकर विश्व शांति में भारत की भूमिका पर चर्चा करेंगे। मित्रों, कहते हैं कि मौन रहना एक साधना है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। न केवल बोलना, लेकिन मुझे लगता है सोच समझकर कर्म करना, सोच समझकर कोई भी कदम उठाना, औरों के संग में आना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है जो हमारे जीवन को सरल, सहज, निर्विघ्न बनाती है, खुशहाल बनाती है। तो ये हमारे हाथ में है कि जीवन को हम खुशहाली की ओर लिए चलते हैं या फिर बदहाली की ओर। सब रंग की तो यही शुभकामना है अपने सभी दर्शकों के लिए कि जीवन, न केवल आज लेकिन पूरे जीवन खुशहाल ही रहे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के दिवस के लिए इजाजत लूंगा। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।